चलिए फ्रेंड्स, जो हम वहाँ पे प्रियकांजू मंदिर के दर्शन किए थे, अब वहाँ से चलते हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो ये हम निकल गए हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए, और प्रियकांत मंदिर में भी बहुत भीड़ थी इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई। इतनी भीड़ में कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, और यहाँ हर मंदिर में अलाउड भी नहीं है अंदर कैमरा ले जाना। और बस ये हम वृंदावन रोड पर ही हैं, बिहारी जी के पहुँचने वाले हैं रास्ते में। और यहाँ तो थोड़ा रास्ता ट्रैफिक हल्का सा कम लग रहा है, और आगे जाके इतना ट्रैफिक हो गया था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर गाड़ी को हमने एक साइड में पार्किंग में लगाया, जो गवर्नमेंट पार्किंग है उसमें, और वहाँ से फिर अब ये पहुँच गए हम बिहारी जी के पैदल चलते चलते। और इतनी भीड़ हो रही थी संध्या आरती के टाइम पर, बहुत भीड़ हो रही थी आप देखिए। और यहाँ अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। तो जहाँ तक चौखट तक मैं आपको दर्शन करा दूँगी बिहारी जी के। और ये हम लोग बस निकल गए लाइन में लगने के लिए। भीड़ देखिए आप कितनी भीड़ हो रही है। और ये गली है बिहारी जी के गेट के बाहर की, और अभी गली में चलते चलते बस यहाँ पे सीढ़ियाँ पड़ती हैं। ये बिहारी जी के यहाँ अलग अलग गेट बना रखे हैं, तो बस हम ये पीछे वाला जो गेट था, 2 या 3 नंबर गेट है, इसमें लाइन में लग जाएंगे हम। और ये देखिए, यहाँ से देखने पे आप लोगों को लग रहा होगा कोई भीड़ नहीं है, लेकिन अंदर की साइड ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ही इतनी भीड़ स्टार्ट हो गई थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था दर्शन के लिए लाइन में लगना। धक्का मुक्की कर रहे थे लोग अंदर। सामने जो दिख रहा है वो बिहारी जी का मंदिर है, और होली इस कदर हुई है यहाँ पर देखिए बिहारी जी के मंदिर में, कि एकदम सारा जो भी मंदिर था पूरा पिंक पिंक गुलाल सब दीवारों पर लगा हुआ था। और बस दर्शन करके, और ये देखिए बाहर की छतरी है बिहारी जी की, जो बाहर से दिखती है गेट है। और बच्चों को लेके सोनू पहले आ गई थी बाहर, क्योंकि बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वो जल्दी से लेके आ गई। और हम लोग अंदर चले गए दर्शन के लिए लाइन में लग के भीड़ में, और अंदर जाके दर्शन किए। और एक तो गर्मी और लोग वालों ने इतना धक्का मुक्की कर दी थी कि दर्शन करना मुश्किल हो गया, लेकिन बिहारी जी की कृपा से अच्छे से दर्शन हो गए हमें। और ये मैं बाहर आ गई हूँ, ये लोग पहले आ गए थे, मैं पीछे रह गई थी क्योंकि आरती का टाइम था, तो मैंने सोचा आरती पूरी हो जाए उसके बाद ही चलेंगे। और मैं आरती करके बाहर आ गई हूँ, मेरी हालत देखिए आप, गर्मी हो गई थी ना, तो गर्मी में पसीने पसीने हो रही हूँ, लेकिन एक मन को इतना अच्छा लग रहा है, सुकून सा मिला है दर्शन करके, जैसे ना कोई शरीर से सारा ऐसे वजन कम हो गया हो, इतना अच्छा लग रहा है दर्शन करके कि पूछो मत। और बस अब कर लेते हैं थोड़ी बहुत लड्डू गोपाल की शॉपिंग। लड्डू गोपाल को भी दर्शन कराए थे, उनको भी साथ लेके आए थे। और अब यहीं निकलते ही मार्केट पड़ेगा, यहाँ से पास में ही मार्केट है, सारा गली है। ये देखिए बच्चों के कपड़े, लड्डू गोपाल के कपड़े, पोशाक, उनका सारा सामान मिलता है। और इस दुकान पे आए हम बिहारी जी के मंदिर से निकलते ही, दुकान पड़ी उस पर लड्डू गोपाल के इतने सुंदर सुंदर पोशाकें मिल रही थी, मुकुट पोशाक श्रृंगार की, देखते ही ना ऐसे लग रहा था ये भी ले लो ये भी ले लो। ये देखिए राधा कृष्ण की, और मैं, रेनू, निशाम तीनों ही थे, सोनू बाहर जाके बैठ गई थी, तो यहाँ मैं पोशाक खरीद रही हूँ, रेनू अपने लड्डू गोपाल के लिए खरीद रही है, और बस निशा वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे हम दोनों तीनों बहन अपने अपने लड्डू गोपाल के लिए पोशाक ले लेते हैं। और बस यहाँ से पोशाक ली और आगे चल दिए हम लोग, कि आगे दूसरी दुकान पर और देख लेते हैं सोनू के लिए पोशाक। और बस ये कितने के हैं भैया? दुकान से ऊपर की पोशाक ली और इधर आ गए। और यहाँ पर रेनू को देखनी थी बिहारी जी की अच्छी सी कोई पेंटिंग, तो वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी राधा कृष्ण की, बिहारी जी की, सबकी फ़ोटो थी, तो रेनू देख रही है। मैं उसको बोली थी यहाँ से तू कैसे लेके जाएगी, इनमें कांच लगा हुआ है, तो बोली नहीं देख लेते हैं, अच्छी लगेगी तो अच्छे से पैक करवा के ले चलेंगे। तो बस हम यहाँ पे वो पेंटिंग देख रहे थे, और पेंटिंग देखने के बाद में फिर आगे चलते हैं और सामान देख लेते हैं। और ये यहाँ पे देखिए, ये लोग बरसाने से आए हुए थे, यहाँ लठमार होली की तैयारी हो रही थी, औरतें आदमी सब तैयार हो के, सबके हाथ में डंडे थे, और लठमार होली का प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन हम लोग लेट हो रहे थे तो हम जल्दी निकल गए थे। और ये सारे के सारे वहाँ पे जा रहे हैं ये लोग, और ये हाथों में डंडे लिए हुए हैं सब ने, देखिए।
और फिर हम लोग बस पार्किंग में पहुंच गए और ये कुछ देखिए इसको खाना था काला खट्टा, तो हम सब भी खाने लग गए क्योंकि गर्मी बहुत थी तो प्यास लग रही थी। तो यहाँ पार्किंग के बाहर ये बर्फ़ के गोले मिल रहे थे और तो कुछ नहीं था, नींबू पानी था, बर्फ़ के गोले थे, तो हम लोगों ने सबने काला खट्टा बनवाया। जगदीश बोले कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दीदी, काला खट्टा खाते हैं, तो सब लोग काला खट्टा खा रहे हैं पार्किंग के बाहर खड़े खड़े। और जगदीश निकालने गए हैं गाड़ी, तो हम लोग गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और काला खट्टा भी खा रहे हैं। खुश को देखिए कितने मज़े कर रहा है। अरे हमारा छुटकू, इसको बहुत मज़े आ रही है खाने में, आपको भी मज़े आए? कितना मज़े आए? दर्शन करके कैसा लगा भगवान के आपको? हम लोग काला खट्टा एंजॉय कर रहे हैं और जगदीश आने वाले हैं बस पार्किंग में से गाड़ी लेके, तो बस चलते हैं। और आपको मेरे छोटे छोटे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।